तो हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम बात कर रहे हैं सीक्वल की। तो हमने सीक्वल की पिछली वीडियो में जाना कि किस तरीके से हम टेबल्स को, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं मैनुअली ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए, या न्यू क्वेरी पे हमने क्वेरी लिख के किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम डेटा कैसे एंट्री करें। एक तो होता है कि आप यहां से अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी इंपोर्ट करके लाना हो तो आप यहां इंपोर्ट कर सकते हैं नए टेबल में, या फिर इंसर्ट करा सकते हैं पुराने टेबल्स में। लेकिन मान लीजिए कि जो ऑलरेडी टेबल बना हुआ है उसमें डेटा कैसे लाएंगे, तो डेटा लाने के कई तरीके हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको डेटा टाइप करना, जैसे हम लोग नॉर्मली डेटा एंट्री करते हैं उस तरह से अगर डेटा एंट्री करना है तो जिस टेबल में करना है, मतलब जिस कनेक्ट आपका डेटा जिस सर्वर के, जिस डेटाबेस के, जिस टेबल के अंदर करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट टॉप 200 करके ऑप्शंस आएगा तो एक टेबल आपको मिल जाएगा जहां पे आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 किया, यहां पे अनुराग, यहां पे पटना और यहां पे हमने नंबर दे दिया। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। 6 मान लीजिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक तरीका 13। लेकिन ये चीजें तो जो मुझे डेटाबेस में करनी पड़ती है, दूसरा कैसे करेंगे? तो दूसरा हम जो है क्यूरी से करते हैं। जी हाँ, क्यूरी में हम यहां पे देते हैं कि इंसर्ट इनटू, और यहां पे हम टेबल नेम देते हैं जिस टेबल में हमें करना है। तो एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास कई सारे सर्वर है तो हमें यहां पे सर्वर नेम भी देना होगा कि ipt.dbo.dot टेबल का नाम है ऐसा। और यहां पे हमें फील्ड देने हैं कि नेम रोल, नेम नहीं देखिए सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर कॉमा रोल नंबर नेम सिटी अमाउंट और फील्ड स्पेस देखिए वैल्यूज और ब्रैकेट में अपने वैल्यूज 1 इनवर्टर कॉमा में मान लीजिए मुझे इंदर करना है, सिटी में यहाँ पे नोएडा नोएडा और अमाउंट यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इसको आप रन करेंगे तो क्यूरी एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, एक डबल इन्वर्टर कॉमा नहीं लेगा, सिंगल लेगा। वीवीए की आदत है इसलिए हम डबल इन्वर्टर कॉमा लगा बैठे। यहां कंप्लीट आ गया। अब इसको आप यहां देख सकते हैं कि मैं यहां पे लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसेट। देखिए यहां पे दिख गया
इंद्र दो बार रन हुआ इसलिए इंद्र हमें दो बार दे दिया। तो इस तरह से हम डाल सकते हैं, किसी और टेबल से भी लेके हम कर सकते हैं, हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी। तो क्यूरी के जरिए आप इंसर्ट क्यूरी इस तरह से रन कर सकते हैं जिसमें अपने वैल्यूज के अंदर अपने फील्ड को ला के आ सकते हैं। लेकिन कोई और मीडियम होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि जनरली ऑफिस के अंदर में यूज होता है एक्सेल। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्सेल का एक फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे कि सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो, सीरियल नंबर, नेम, सिटी एंड मार्क्स, एक छोटा सा हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। और फॉर्म बनाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा किया सीरियल नंबर ई, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह, यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे जिसपे करेंगे सीरियल नंबर के लिए। मैं फिलहाल तो मैं टाइप ही कर रहा हूँ, बाद में इसको मैक्सिमम भी कर सकता हूँ। तो यहाँ हम एक बटन बनाएंगे, उसके ऊपर हम जो है कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग इस पर हम बीपी के कोडिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए हम कौन से इसमें थे बुक सिक्स, तो ये बुक ऑल ऑफ दी बुक वन, बुक एट, हाँ बुक सिक्स में आए इंसर्ट मुडो। अब यहां पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे सब सेव डेटा एसक्यूएल। ओके, तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें अदर कनेक्टिविटीज करनी है। तो यहां पे डिम हमने बोला कनेक्शन सी एन एज ए ऑब्जेक्ट, डीएम रिकॉर्ड सेट एज ए ऑब्जेक्ट, यहां पे हम ले लेते हैं दो लिए। उसके बाद कहते हैं सेट सी एन इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन, और यहां पे देंगे ए डी ओ डी बी डेटाबेस, डॉट कनेक्शन, स्पेलिंग सही होना चाहिए, स्पेलिंग में दिक्कत होगा प्रॉब्लम हो जाएगी, कनेक्शन। और फिर यहां पे लिखते हैं बिट सी एन डॉट प्रोवाइडर, स्पेलिंग दिक्कत होनी चाहिए, प्रोवाइडर इक्वल टू हमने बोला एस क्यू एल ओ एल ई डी बी, याद करना पड़ेगा। उसके बाद इसी में हमें देना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी, कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कनेक्शन डिटेल देना होगा, जैसे कि डेटा सोर्स एस ओ यू आर एस ए सोर्स इक्वल टू, हमारा जो डेटा सोर्स में हमें देना होगा सर्वर का नाम, कि मेरा सर्वर का नाम क्या है। तो कनेक्शन कट कीजिए और वापस जुड़िए, एक यहां से उठा लीजिए इसको। तो इसमें हमने अपना कंप्यूटर नेम सहित दे दिया। उसके बाद यहाँ इस इनर में क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे हाँ इसमें क्लोज अभी फिलहाल क्लोज नहीं करना है, और यहाँ पे हमें अपना सेमी कॉलन देना है। उसके बाद आता है इनटायर कैटलॉग, मतलब कि सर्वर नेम हमें देना होगा स्पेस देके आई एन आई टी आई एल इंटीआर कैटे लॉ
इक्वल टू मेरा सर्वर नेम क्या है, सर्वर नेम यहाँ पे IPT है ना, इसके अंदर डेटा हमारा है, सर्वर नेम हमारा IPT है, तो यहाँ पे हमने IPT डाल दिया। एक और जो अहम बात है, अब मेरा विंडो जो है विंडो ऑथेंटिकेशन पे है, तो मैं डालेंगे इंडिकेटेड सिक्योरिटी में हम SSPI कर देंगे, लेकिन क्या है कि अगर आपके पास यूजर नेम होगा तो फिर यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे मिलते हैं इंटीग्रेटेड INTEGRATED, स्पेल कर देते हैं ताकि याद रहेगा। यहाँ पे कनेक्शन डॉट ओपन करके एंड विथ कर देंगे ताकि CN क्लोज हो गया। तो हमने क्या किया, हमने SQL के साथ अपना कनेक्शंस ओपन कर लिया। तो हमने SQL के साथ अपना कनेक्शंस ओपन कर लिया। अब बारी आती है रिकॉर्ड सेट ओपन करने की। जब तक रिकॉर्ड सेट ओपन नहीं करेंगे तो तुम नहीं हो पाएगा ना। यहां पे हम करते हैं सेट RS, जो कि हम लिया हुआ है RS इक्वल टू यहां पे क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन यहां पे हम लिखेंगे ADODV। सेम लिखना होता है लेकिन इसमें हम लिखेंगे रिकॉर्ड सेट RECORD रिकॉर्ड SET सेट रिकॉर्ड सेट। और फिर यहां पे हम लिखेंगे RS डॉट ओपन। पहले हम इसको ओपन कराते हैं। ओपन कराने में आपको यहाँ पे टेबल नेम देना होगा पहला, दूसरा कनेक्शन टाइप, तो कनेक्शन टाइप देना होता है CN, और ये 3, 2, 0 एक ये होता है इसके मतलब कि 3 हो गया कि आप डेटा को रेट मोड में ओपन करना चाहते हैं, और ये दो चीज देना जरूरी है, बटन नहीं आपका कनेक्शन ओपन ही नहीं होगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं विथ RS, और यहाँ पे हमें एड न्यू देना होगा क्योंकि हम न्यू डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो एड न्यू। उसके बाद फील्ड्स डॉट FIEL फील्ड्स होता है, फील्ड नहीं होता है। तो यहां पे हमने सीरियल नंबर डॉट वैल्यू इक्वल टू हमारा जो फॉर्म का जो है कौन सा है B2 है। तो यहां पे देंगे कि रेंज B2 डॉट वैल्यू, और इसी को हम यहां पे ई करना था, इसी को हम कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पे सीएल नंबर के जगह पे हमारा आएगा नेम, नेम, और B2 के जगह पे आएगा हमारा B4। इसके बाद आता है हमारा सिटी, और यहां आएगा B6।
उसके बाद आता है अमाउंट, यहाँ पे आएगा हमारा V8 और फिर हम कर देंगे डॉट अपडेट और फिर लिखेंगे डॉट क्लोज और फिर एंड बिल। CN को क्लोज कर देते हैं उसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं। अब मैं यहां पे एक बटन लेता हूं, बटन लेने के साथ जैसे बटन लूंगा उसे पूछे कौन सा है, अपने सेव डेटा SQL को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे ले लेते हैं और यहां हम दे देंगे 1 यहां दे देते हैं ओम, सिटी में दे देते हैं कानपुर और मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स में सिटी है ना, अच्छी अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट आ जाता है और यहां हम एक मैसेज दे देते हैं डेटा हैव यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर में देते हैं डेटा हैव सेल। अच्छा सेट की जगह पे सेव हो गया और यहां पे सेट कर लिया। इनवैलिड ऑथराइजेशंस Recording stopped. हमने यहाँ पे बस सिर्फ छोटी सी गलती की थी, यहाँ पे Q लिख दिया था, यहाँ पे C लिखना था। अब देखते हैं आपको कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, डेटा हमारा सेव है और डेटा सेव कहाँ गया, यहाँ पे। तो मैं इंसर्ट इनटू जो कमांड है इसको मैं यहां से डिलीट करके सॉरी ये दिमाग पड़ेगा आपको, मैं यहां पे डाल देता हूं और फिर देखता हूं कि क्या है रिजल्ट। जा ओम कानपुर आ चुका है, ओम कानपुर और यहां हम इसको ब्लैंक भी करा सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं मैसेज देने के बाद कि रेंज B2, B4, B6, B8 डॉट क्लियर में हमें क्लियर कंटेंट करना, क्लियर कंटेंट हम इस पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 7, 8 करता हूँ 8 और यहाँ पे उदय कुमार और यहाँ पे 600 सेव क्लियर हो गया और हमारा यहाँ पे देखिए उदय कुमार यहाँ पे पहुंच चुका है। इस तरह से हम डेटा इनपुट करवाते हैं VBA के थ्रू एक्सेल में। तो आज आपने सीखा कि नॉर्मली मैनुअल कैसे डेटा एंट्री करेंगे, इंसर्ट क्यूरी के थ्रू कैसे डेटा एंट्री करेंगे या फिर हम किसी एक्सेल फाइल से या एक्सेस फाइल से डेटा को कैसे लाएंगे, ये चीजें हमने डाला। यदि हमने एक्सेल किया है तो अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि हम एक्सेस से कैसे करेंगे, किसी वेब पेज से कैसे करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे आज की एमएस एक्सेस में हम जो फॉर्म बनाएंगे उसका डेटा SQL सर्वर में कैसे जाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम ओरेकल को
एसक्यूएल सर्वर में डेटा हम मैनुअली इंसर्ट क्यूरी से या फिर एक्सेल में किसी एक फॉर्म इस फॉर्म की वजह से कैसे लाया था। तो मैं चाहता हूँ सेम फॉर्म हम एमएस एक्सेस में बनाएं और एमएस एक्सेस से डेटा ले जाएं एसक्यूएल सर्वर में। तो यहाँ हम कुछ नहीं, यहाँ पे डिजाइन फॉर्म में जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ हम फॉर्म बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ले रहा हूँ, लेवल लिया हमने, लेवल को किया और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा एंट्री फॉर्म। अब इसको बड़ा करके इसके फॉर्मेटिंग में आऊंगा और इसका जो फॉन्ट साइज है 11 के जगह पे मैं इसको कर दूंगा 24। और चीजें भी कर सकता हूं लेकिन फिलहाल हम इसको उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि मेन हमारा कुछ और चीज है। तो हम यहाँ पे इसको उठाते हैं और इसको ऊपर में यहाँ पे मूव कर देते हैं। उसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसमें हम सीरियल नंबर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसमें हम देंगे नेम। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जहां पे हम देंगे सिटी। फिर टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जहां पे देंगे हम अमाउंट। अब इन सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इकट्ठा और फॉर्म अरेंज में आ जाता हूं, अलाइन कर देता हूँ सबको लेफ्ट से ताकि अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबका जो टेक्स्ट वन है उसकी जगह पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम नेम, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे हमने अमाउंट बनाया। अब यहाँ पे एक बटन हम लेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया और छोटा कर देते हैं। अब यहां से हम डिजाइन में आते हैं और लेते हैं एक बटन। बटन लेने के बाद इस बटन को हम कर देंगे, यहां पे कर देंगे कैंसिल और बटन में यहां पे हम ले लेते हैं अपना सेव इन एसक्यूएल। अब इसके ऊपर यहाँ हम इवेंट पे आते हैं और इवेंट पे आने के बाद ऑन क्लिक इवेंट प्रोसीजर और इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं हम वीवीए प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे। हम वही कोड यहाँ पे टाइप करेंगे जो हमने वीवीए प्रोग्रामिंग में टाइप किया था इससे पिछली टॉपिक के अंदर, वही सेम कोडिंग यहाँ पे चलेगा। बस सब्जेक्ट हटा दीजिए और यहाँ से आप एक क्लियर कंटेन हटा दीजिए और कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले हमें अपने वापस अपने फॉर्म पे आना होगा और इसका नाम, इसकी इसका टेक्स्ट के जो नाम वगैरह है ना वो थोड़ा चेंज कर जाऊंगे सीरियल, ताकि वहां प्रोग्रामिंग में हमें आसानी से होगा। NM इसका नाम कर देते हैं सिटी सिटी और इसका नाम हो जाता है अमाउंट। और उसके बाद हमने तो हो गया हमारा। अब हम वापस वीवीए प्रोग्रामिंग में जाएंगे। वीवीए प्रोग्रामिंग में जाने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, ये जो आपका दिख रहा है रेंज इसके जगह पे मैं मुझे देना है मी डॉट, नहीं मी यहाँ पे वर्क नहीं करता, समझो एक्सेल मॉड्यूल्स में है। हमें जाना है एक्सेस के, जी हाँ एक्सेस में हम वीवी में है और यहाँ हम कर देते हैं नी नी मतलब एक्टिव फॉर्म डॉट सीरियल नंबर ऐसा डॉट वैल्यू।
इसी तरह से बाकी हुए करना है नेम के लिए मी डॉट एन एम डॉट वैल, फिर वापस रेंज के लिए भी इसके यहाँ पे करना है मुझे मी डॉट सिटी डॉट वैल, और ये अमाउंट का तो हमारा अमाउंट है ही मी डॉट अमाउंट डॉट वैल, ये हो गया हमारा एनएम सिटी और अमाउंट, बाकी सब इसमें सेम रहेगा। अब हम अपने फॉर्म को सेव करके क्लोज करते हैं, फॉर्म टू की जगह पे सेव डेटा इन एसक्यूएल। अब हम इस फॉर्म को ओपन करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए फाइल दे दिया, इसमें नेम दे देते हैं हम यहाँ पे सौरभ, सिटी में हम दे देते हैं दिल्ली, और अमाउंट हम दे देते हैं एसक्यूएल, सॉरी दो बार आंसर है ना, इसको हमें एक्सेस करना, डेटा इज सेव। और आप देखेंगे इस सिक्वल में, मैं एक बार और क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सिक्वल में देखेंगे सौरभ दिल्ली और 958 यहाँ पे आ चुका है, और फॉर्म क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें फॉर्म क्लियर करने का कोड हमें यहाँ डालना होगा, तो फॉर्म क्लियर भी हो जाएगा। ये थी हमारी एसक्यूएल में डेटा कैसे एंट्री करते हैं इसकी, इसके बारे में। इससे आगे हम बात करेंगे अगली वीडियोज में। थैंक यू।